मैं अभय कुमार अनिल सराफ से शुरुआत करते हैं। जैसे कि बिहार पुलिस का चल रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, कितने दिनों में आएगा, कैसे आएगा और कब तक मतलब फाइनल हो पाएगा, इस पर बहुत सारा बयानबाजी चल रहा है मार्केट में। हम आप लोग ऑथेंटिक बताएंगे कि कब रिजल्ट आएगा। हाँ, ये बात भी सुनिश्चित है कि इसी महीना में आएगा, क्योंकि प्रभात खबर में दिया हुआ था कि जुलाई के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आप सभी का इतना 3 महीना का जो मेहनत किए हुए 3 महीना पहले, उसका फल परिणाम आने वाला है। और उसके मेन मोटिव है कि सावन के महीना है, आप सही से भोले बाबा के दर्शन कीजिए। जितने भी 18,632 अभ्यर्थी PET पास किए और उनमें से 84 से 15 लड़का ही सेलेक्ट हो गए, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना है। लेकिन ये भी है कि 1600 मीटर धूप में दौड़ने में बहुत लड़का का समय जितना चाहिए उतना नहीं गया है, और लड़की लोग का भी सेम था, तो इसलिए उतना कटअप पिछले बार की अपेक्षा नहीं जाएगा, उससे कम ही जाएगा, बिलो ही जाएगा, मुझे जहाँ तक अनुमान है। और रही बात कि आप लोग एक से फिर से एक बार आंकड़ा जो है वो बता दे रहे हैं कि कितना आंकड़ा वहाँ का है, कितना लड़का पास किया, कितना लड़की पास किया। टोटल सीट आपका हुआ 44, टोटल सीट हुआ 84 से 15, जिसमें मेल पास हुआ 53 से 10, और टोटल कैंडिडेट में मेल का जो है 84 से 15 में, उसमें 53 से 10 मेल का है, और कैंडिडेट जो PET पास किया है वो 13,453 लड़का है। यानी कि 53 से 10 में 13,483 लड़का PET पास किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रेशियो है, 5 में 2 लड़का कर लेगा। और फीमेल का सेम है, 3105 सीट है उन लोगों का, और BC का 3% वो भी जो लीजिए तो आपको हो जाएगा 3200 हो जाएगा। और रही बात टोटल कैंडिडेट पास की है, 5149 कैंडिडेट बिहार पुलिस में फीमेल पास की है, और जिसका रेशियो है ओवरऑल जिसका रेशियो है कि 8 लड़की में से 5 लड़की का मेरिट बनना है, लड़की लोग का ये रेशियो है। और टोटल जो पास किया है लड़का लड़की मिला के वो है 18,632 लड़का पास किया हुआ है। यही आंकड़ा रहा वहाँ बिहार पुलिस का, जो कि आपको 3 महीना पहले लिया गया था। और जो 16 से हम लोग दौड़ते हैं, तो हम और आप चाहे जो भी बच्चा है जहाँ भी मेहनत करता है, उस सबको लगता है कि हाँ कितना मेहनत करने के बाद हम लोग का मतलब परिणाम सामने आने वाला है, वो लोग भी बहुत उत्सुकता है रिजल्ट के लिए। भगवान करे उन सबका रिजल्ट अच्छा हो, जो मेहनत अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से किए हुए हैं उनका रिजल्ट अच्छा हो। रिजल्ट का यहाँ तक बात रहा कि कब रिजल्ट आएगा, ये हम आप लोग संभावित नहीं, एक अनुमान क्या जो हम लोग को पता चला उससे कन्फर्म जाहिर हो रहा है कि मेरे अनुमान से 27 मतलब 20 से 27 के बीच में, जो 25 लोग बोल रहा है 25 नहीं, जो लास्ट वीक के अंदर है वो 20 से 27 के, ऐसे मुझे पता चला है कि 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, जहाँ तक उम्मीद 23 को रिजल्ट आएगा। जो हमसे एक दो आदमी जो बोला है उनसे भी हम लोग किए हैं, तो यही उम्मीद और आशा रखते हैं कि आप सभी का रिजल्ट हो, और सभी घर में एक सुनहरा अवसर आएगा कि जैसे एक घर में एक परिवार का अगर नौकरी हो जाता है तो आने वाला समय उस घर का स्थिति परिस्थिति सब बदल जाता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए और सही राह पर चलिए। और रही बात दरोगा की, तो दरोगा में मेरे पास 105 या 106 लड़की क्वालिफाई किया था, जिसमें मेरे पास टोटल लड़का 52 पास किया है जिसका मेरिट बना है, और जिसमें गर्ल्स में 33 लड़की का मेरिट बना है और बॉयज़ का 19 लड़का का मेरिट बना है। हम इन सबको एक हमारा संस्थान का एक क्या मोमेंटो होगा वो हम लोग इनको देंगे, इन सबको बुलाकर आप लोग से भी रूबरू कराएंगे और YouTube पर भी हम लोग डालेंगे, उन लोग को आप लोग भी दवाधाई और शुभकामनाएँ दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से 20 दिन 25 दिन 1 महीना में दौड़ बना के लड़का लोग दौड़ निकाला है, इसलिए उन लोग को बधाई के पात्र वो लोग हैं। और रही बात फायरमैन के, जो सबसे इस समय हवा में चल रहा है फायरमैन का मेन मुद्दा है कि इतना 3 महीना आयोग क्या कर रहा है, जो अभी कॉपी मिला है एक जगह का कॉपी, जो हमें अनुमान लगा पता चला है एक जगह का कॉपी खुला है तो ये हाल हुआ है बेतिया का, बाकी जगह कॉपी खुलेगा तो क्या हाल होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। ऐसे वहाँ का जो प्राचार्य है वो बोल रहे हैं, सुरेंद्र केसरी जो बोल रहे हैं वहाँ के जो प्राचार्य हैं
वो कह रहे हैं कि एमजेके कॉलेज कि यहाँ से हम सब कुछ सिग्नेचर करा कर भाई जबते हम दे चुके हैं, आप लोग जांच कर लीजिए और वहाँ पता कीजिए कि कहाँ ये कॉपी गया है। 194 OMR जो गायब हुआ है वो एमजेके कॉलेज से गायब हुआ है और इसका 27 मार्च को एग्जाम हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये कहाँ कॉपी गया, सबसे मेन मुद्दा है इसको जाने कॉपी वहाँ से निकला। वहाँ के जो प्राचार्य बोल रहे हैं कि हम वहाँ से कॉपी साइन भाई जब साइन करा के वहाँ के शिक्षा पदाधिकारी को दे चुके हैं, तो वहाँ से कॉपी कहाँ गया ये भी एक जानने वाला मुद्दा है। तो ये आयोग अपना देख रहा है अभी क्या करना है नहीं करना है। वो बोला गया है कि प्राचार्य से कि नहीं कॉपी हम लोग दे चुके हैं, अब आयोग जाने। जैसे प्रभात खबर हिंदुस्तान ये सब में दिया हुआ है यही बात, हम यही कहेंगे आयोग से आप अपने जो भी लड़का को OMR अगर नहीं मिल रहा उनका आप लोग रिजल्ट दीजिए, चाहे उनका एग्जाम करा लीजिए, यही सुझाव रहेगा। चाहे जो भी हम मतलब कह रहे हैं, एक तरफ से लड़का लोग के अच्छे ढंग से अगर एग्जाम होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसे ही एक हुआ था झारखंड में जिसका OMR गायब हुआ था, उन सभी का रिजल्ट आया हुआ। तो आप देखिए कैसा करना है नहीं करना है। और बिहार फायर मैन का जहाँ तक मुझे अनुमान है ये रिजल्ट आपको अगस्त में 15 के बाद ही आने वाला है, उससे पहले ये नहीं आएगा। इसलिए आप कहीं भी रहिए, अगर फायर मैन के आपका अच्छा नंबर जो हम कटअप दिए हुए हैं उस कटअप के अंदर आपका आता है तो आप लोग बेहिचक हमसे संपर्क कीजिए। गेट नंबर 5 बिहार फिजिकल लर्निंग एकेडमी, ये हम लोग संस्था वहाँ चलाते हैं। गेट नंबर 5 से आप आइए, वहाँ मिलिए हमको, चाहे नीरज हो चाहे जो भी गांधी नगर में लड़का उससे पूछिए बिहार फिजिकल का कहाँ चलता है, वो सब आपको बताएगा। और अच्छे प्रोडक्शन के निरीक्षक में हम लोग आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला ये बताएंगे। लॉन्ग जंप तो खैर दरोगा में होता है तो उसके लिए भी हम लोग अगला सितंबर में आएगा तो उसको भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग को फायरमैन का विशेष फोकस करना है जो रनिंग में आपको 50 नंबर है, गोला 25 नंबर है, हाई जंप 25 नंबर है, यानी 100 नंबर में किसी तरह 80 नंबर टारगेट लेकर चलना है। और किसी भी कैटेगरी से रहिएगा आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा, 80 नंबर आ रहा है। और हम लोग का जो है TOD का भी बैच हम लोग चला रहे हैं 4:30 बजे, आप लोग आइए उसमें भी जिनका भी अगर दौर सुनिश्चित करना है वो हमसे मिलिए। 4:30 बजे हम लोग बैच चलाते हैं TOD आर्मी वाला, उसमें भी आप लोग आ सकते हैं बेहिचक हम लोग कराने के लिए, हमेशा तत्पर है और साथ रनिंग करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ आप लोग रनिंग करा दिए और छोड़ दिए। इसलिए आप सबको जितना भी रिजल्ट आया है दरोगा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, उन सभी के लिए जितने 22 से 13 कैंडिडेट थे उन सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका उज्ज्वल भविष्य का हम कामना करते हैं। हाँ ये बात एक बात और रखिएगा कि गरीब को सताना नहीं है और अमीर को छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा तो आप और आगे ऊंचाइयों पर पहुंचिएगा। और बिहार पुलिस का जो बताया है सेम है, उसका एक आप लोग फिर से हम दे रहे हैं कि कितना कटअप है, क्या जाएगा। जनरल मेल के लिए जाएगा 72 से 76 और BC का जाएगा 68 से 72, EBC का जाएगा आपको 64 से 68, SC का जाएगा 60 से 64, ST का जाएगा 64 से 68 और EWS का जाएगा मेल का वो 64 से 68 के बीच में जाएगा। और सेम फीमेल का है वो है आपको जनरल का सेम है 72 से 76 और BC का 66 से 70 है और EBC का 62 से 66 है, SC का 52 से 56 है, ST का 60 से 64 है और EWS का 62 से 66 के बीच में। यही हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जैसे पिछले वीडियो में बताए हैं सेम उतना ही कटअप जाएगा, आप लोग बेहिचक निश्चिंत रहे, जिसका इसके बीच में आ रहा है उस लोग का मेरिट बनेगा। ये हमारा एक शुभकामनाएं है आप सबके साथ कि आप जितना मेहनत किए हैं उस रूप से अगर अभी रिजल्ट आ रहा है तो आपका मेरिट बनेगा। जय हिंद।